हम लोग इधर आए हैं यार। ये जो मेरा राइट में बैठा है, हम दोनों 15 साल एक साथ खेला है। अच्छा। इंडियन टीम में दोनों 10 साल खेला है। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम, सौरभ गांगुली बहुत बड़ा नाम, इन लोगों को देख के हम लोग बड़ा हुआ जी। जब मैरी कॉम 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, कितना आदमी मैरी कॉम का फोटो रखता है घर में, गोल्ड लाया, वो देश के लिए गोल्ड लाया, ये लोग लेकिन कोई गोल्ड नहीं लाया। 12 देश खेलते हैं क्रिकेट, मिलता है तो ये बोलता है जय श्री राम, बोलता है तो डर जाएगा, क्या बोलेगा जो भक्त का जय श्री राम ऐसा बोलेगा ना, भक्त वही होता है। नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग वेस्ट बंगाल के एक गांव में मौजूद है जहां पर फुटबॉल का आयोजन किया गया है, कार्यक्रम किया जा रहा है, यहां पर सभी लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इंडियन प्लेयर्स दो मौजूद हैं एक्स, जो कि फुटबॉल को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है सर आपको और क्यों यहाँ पर आप आए हैं? ऑब्वियसली अच्छा तो लगेगा क्योंकि हम लोग भी गांव का, दोनों हमारा जो पास में बैठा है वो भी मेहताब हुसैन है और उसका साइड में एकदम है हमारा हसन भाई है। हसन भाई इस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं तो जी, भाई का कहने से हम लोग आए हैं, जो एकदम राइट में है मेरा साइड में एकदम, हाँ हाँ टीएमसी से लड़ रहे हैं, इसके लिए हम लोग इधर आए हैं यार। ये जो मेरा राइट में बैठा है, हम दोनों 15 साल एक साथ खेला है। अच्छा। इंडियन टीम में दोनों 10 साल खेला है। ओके। और इधर भी जितने भी टॉप क्लब एक साथ दोनों खेला है यार, मतलब क्या बोलेंगे एकदम ग्रास रूट लेवल से, अंडर 16 अंडर 17 19 दोनों एक साथ, क्लब लेवल भी एक साथ खेला है, तो इधर आके तो अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग गाँव का लड़का है। सर बंगाल में देखा गया कि फुटबॉल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसा क्यों? मैं आपको बता रहा है, फुटबॉल एक टाइम ऐसा खराब जगह पे चला गया था ना, तो अभी जो हमारा ममता दी है, ममता बनर्जी टीएमसी, हर क्लब को 2-2 लाख रुपया दिया है, हर क्लब को 5 लाख दिया है सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि एक गांव के ना कुछ कुछ क्लब जो ख़त्म हो गया था, ये लोग जो खेले इसलिए इन लोगों को इतना पैसा दिया क्योंकि ये लोग खेलने के लिए आए ग्राउंड पे, जो किया है इसलिए अभी देख रहे इतना गाँव में जो भी फुटबॉल हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ ममता बंदोपाध्याय। बिल्कुल, इसी वजह से आप भी टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली। दूसरे प्लेयर भी हैं सर, आपका नाम? मेहताब हुसैन, आपको वो बोले होंगे कि मैं हमेशा अच्छा काम, जो अच्छा काम करते हैं उसके मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, वो कोई भी हो। हसन भाई पर्सनली या बोलिए प्रोफेशनली सब कुछ वो जो काम करते हैं, एक बार एमएलए रह चुके हैं कृष्णा नगर के पास से, फिर अपने घर से बेलडंगा से खड़े हुए यहाँ से, तो आई थिंक जो अच्छा काम करो उसको आप बाँचो, आपको धर्म के नाम में और जाति के नाम में मत बांटो। जो अच्छा काम कर रहा है, जो आपको जॉब दे रहा है, जो आपको रास्ता बना रहा है, जो आपको पानी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा दे रहा है, इस बारे में कि ये नहीं कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, इस बारे में वोट मत, कोई भी पार्टी, मैं सिर्फ कोई भी पार्टी हो, ये काम नहीं करो कि आप अच्छा एडुकेशन दो, ये मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो हसन भाई जो काम किए हैं इसलिए फिर उनको पार्टी टिकट दिए हैं। और वो जैसा एमएलए है, मैं बहुत एमएलए के साथ मिलता हूँ, मैंने इतना साल में मेरा फुटबॉल करियर में मेरा वेस्ट बंगाल में, अब किसी से पूछिए फुटबॉल जो खेलता है वह फुटबॉल जानता है, मेहताब हुसैन रहीम को सब पहचानता है, तो बहुत सारा एमएलए बहुत सारा मिनिस्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। मगर जो हसन भाई की खासियत है वो लाइक हम लोग बोलते हैं माटी का मानुष मीन्स मट्टी में रहते हैं वो, जो ग्राउंड लेवल है उनके साथ जो आदमी देखेगा ना, आप सब कैरेक्टर सबसे अच्छा कैरेक्टर जो नीचे से जो नीचे आदमी को रेस्पेक्ट देता है, जो जैसा कृषक हो या तुम्हारा जो जो मोची हो या जो बहुत नीचे स्तर का आदमी, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, यही उनका खासियत मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए बार बार मैं खींचा चले आता हूँ मुर्शिदाबाद में। बिल्कुल, तो अब हम सर के पास भी चलते हैं। सर सभी लोगों ने आपकी बहुत तारीफ़ की है, जिस तरीके से देखा जा रहा है दो इंटरनेशनल प्लेयर आपके साथ आए हैं, तो आप बीजेपी के मुकाबले के लिए किस तरह से तैयार हैं सर इस बार, क्योंकि वो तो कह रहे हैं देखिए नहीं, मेरा किसी से लड़ना नहीं है, ठीक है, हम खड़े हुए हैं या हमारा एजेंडा हम बोलेंगे जी, और बिरला का जो जनसाधारण है वो उसके तरफ मतदान देंगे जी, 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 ठीक है जी, तो हमारा जो जो एजेंडा है वो तो हम जो पॉलिटिक प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि क्यों हमको वोट देना चाहिए, तो हम तो बोल रहे हैं सबको। बिल्कुल, लेकिन देखिए ममता जी ने इतना काम किया है, इसके लिए तो वोट देना मांगते हैं सबको, बंगाल के सब, इतना उन्नयन कोई इंडिया में कोई राज्य में अभी तक नहीं हुआ है, ये तो देखने को मिला ये, तो ये बात हाँ, आप तो बाहर के हैं तो आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर,
जब करोना आया ना तो सबसे बड़ा उत्सव जो दुर्गा उत्सव थे तो बहुत प्रॉब्लम ले आएगा थे हम लोग का, जो खाने के लिए पैसे नहीं थे तो उस टाइम ममता दी ने ऐसा किया कि जो दुर्गा पूजा उसके लिए हर पूजा मंडप को 50,000 करके दिया है सिर्फ पूजा करने के लिए, और क्लब में तो हर क्लब को 5 लाख मिलते हैं है। शादी भी लड़कियों की हो रही है सब सब, और हम लोग भी डोनेट करते हैं जी सबको। तो एक तरीके से ये देखा जा सकता है, जो बीजेपी कह रही है कि हमारे जो है कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं बंगाल में, और ममता दीदी जो हैं वो माओवादियों को संरक्षण देती हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बुरी बात है। देखिए वो जितना यहाँ ईडी और सीआईडी ये सब यूज करके यहाँ सब बंगाल को जो पॉलिटिकल है बहुत दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन वही आके ऐसा बोल रहे हैं कि माओवादी के साथ हमारा दीदी है, ये बहुत बुरी बात है। जब वो पॉलिटिकल लड़ नहीं सकते तो इस वो उस तरफ जाते हैं। सर ऐसा भी देखा जा रहा है कि कह रहे हैं कि बीजेपी को इस वजह से भी कहा जा रहा है कि उनसे लोग डर रहे हैं यहाँ पर, तो डर क्यों है सर? किसी को मौका क्यों नहीं दिया जा सकता? बंगाल का जो आदमी है ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सब लोग एक साथ रहते हैं भाई, भाईचारा है इस जगह में हम लोग के साथ। कभी हम ऐसा मेंटालिटी लेके नहीं चलते कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ऐसा, कोई क्रिश्चियन है, ये हमारा मेंटालिटी नहीं। हम लोग का काम है कि एवरी मैन का वर्क करना है, यही पीछे जो पड़ा है आदमी उसको उठाना है, यही हमारा मुद्दा है। हाँ हमारा रास्ता रोड्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वाटर हॉस्पिटल इस पे आओ मुद्दा करो भाई लड़ो तो ठीक है। लेकिन सर मेरे को देखने को नंदीग्राम में ये भी मिला कि टीएमसी के आप ही के पार्टी के कई सारे वर्कर्स जो हैं हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, वो तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में हॉस्पिटल पहुंच गए सर? उन पे हमला हुआ है। देखिए पॉलिटिकल में सब ये तो बहुत बुरी बात है, हम लोग को पॉलिटिकल जो है हमने तो पहले बोल दिया हमारे मुद्दे के ऊपर लड़ना है। किसी तो है ना सर, जय श्री राम मुद्दा ही बन गए हैं, मुद्दा तो वही है। देखिए एक बात बोलते हो, धर्म क्या है आपको मालूम होना चाहिए, हमारे अपने धर्म पे विश्वास और अपर धर्म जो उस पर श्रद्धा, यही धर्म है ठीक है। अगर इस पर हम ठीक रह सकते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और हमारा जो बीजेपी के जय श्री राम नारा है, देखिए हर जगह में जय श्री राम नहीं बोल सकते, हम हमारा मंदिर है, मंदिर जाके हम बोलेंगे, मस्जिद में हम जाके अल्लाह बोलेंगे, यही तो हमारा यही तो कल्चर है, हम क्यों बाहर बोले? लेकिन सर सीएम योगी हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि जोर से जय श्री राम नहीं बोलेगा तो देश से बाहर हो जाएगा। अरे तो वो बात छोड़ दो, जब उसके उधर हितरास में जब हुआ, देखो हितरास में जो मनीषा का हुआ था तो वहाँ पर आप देखो वो SC लड़की थी, तो वहाँ पे देखो जो DM वो भी हिंदू था, वो SP वो भी हिंदू था, जोगी जी भी हिंदू है, तो उसको विचार क्यों नहीं मिला? वो बता रहे थे बाद में दलित है वो, न्याय नहीं मिलता। अरे वो तो हिंदू है, दलित हुआ तो क्या हुआ? तो डिवाइड पहले रिलीजन में होता फिर कास्ट में होता। हमारा तो यही बोलना है, तो हिंदू एक लड़की मर रहे है उसको क्यों विचार नहीं मिला? सही बात है। सबसे बड़ा बात है हम पॉजिटिव नहीं बोल रहे, एक एक जिन एक बात हम कर सकते हैं कि देखो हम तो सब पहले मनुष्य है एकदम, किसी का हत्या हम लोग नहीं चाहते, सो जो भी रिलीजन का हो ये हम नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते। नहीं तो जो बीजेपी कार्ड खेल रही है धर्म का, क्या वो कामयाब हो पाएगा? नहीं, सीमांगला में तो नहीं चलेगा, हम लोग भाईचारे में रह रहे भाई इधर। अमित शाह तो कह रहे हैं ना 200 सीट तो इस बार पार है, अभी तो दो बहुत कुछ बोल रहे हैं अभी, हाँ 200 पार या बीजेपी बंगाल से बाहर यही देखना है। तो उन्होंने ये भी बयान दिया है कि 2 तारीख के बाद ममता जी दिखाई नहीं देंगी। अरे 30 साल तो ममता जी दिखाई दिया है बम्फर्ट के टाइम में, वो भी थे और वही रहेगा। और आखिरी सर मैं सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों से, मुझे एक बात बताओ। हाँ। सबसे पहले भक्त जो राम जी है ना, राम का भक्त कौन था मालूम है? हनुमान जी। जब कोई भक्त को मिलता है तो ये बोलता है जय श्री राम, बोलता है तो डर जाएगा, क्या बोलेगा जो भक्त का जय श्री राम ऐसा बोलेगा ना?
भक्त ही होता है। सही बात। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपने स्टेट लेवल की बात की तो यहाँ पर तो आप लोगों को सम्मान मिला, फुटबॉल को आप लोगों ने उठाया, क्या नेशनल लेवल पर जब आप लोग खेले तो वहाँ पर इस चीज़ का किस नज़र से देखा जाता है, क्या वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं आपको जो अन्य जैसे कि क्रिकेट में मिलती है? हाँ, ऑब्वियसली मिलता है। देखो, एक चीज़ आपको मालूम है, एक स्पोर्ट्स, हम किसी स्पोर्ट्स को खराब नहीं बोल सकता, लेकिन आपको भी मालूम है, आपको एक बात बताओ, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम, सौरभ गांगुली बहुत बड़ा नाम, इन लोगों को देख के हम लोग बड़ा हुआ जी। जब मैरी कॉम 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, कितना आदमी मैरी कॉम का फोटो रखता है घर में, गोल्ड लाया, वो देश के लिए गोल्ड लाया, ये लोग लेकिन कोई गोल्ड नहीं लाया, 12 देश खेलते हैं क्रिकेट। आप बोलो हेमा दास का कौन कौन जानता है, इधर पूछो, सबका घर में हेमा दास और मैरी कॉम का फोटो होना चाहिए, किसी का घर में नहीं है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, और आप जो हमने जो सम्मान जो मिला ना अभी भी वेस्ट बंगाल से, दीदी ने हमको खेल सम्मान दिया है, इसको भी खेल सम्मान दिया है। पैसा बड़ा बात नहीं है, जो सरकार याद रखता है ना स्पोर्ट्स को, सबसे बड़ा बात वही। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए।